कोरोना काल के चलते प्रदेश भर में करीब पिछले 3 महीने से सभी तरह के संगीत प्रशिक्षण के संस्थान बंद हैं। लगभग 3 महीने से सरस्वती के इन मंदिरों का बंद होना संगीत की साधना से जुड़े लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी कोरोना काल में बंद इन संस्थान के संचालकों पर रोजी रोटी का संकट है। इस तालाबंदी के चलते न केवल संगीत शिक्षकों को परेशानी हो रही है, बल्कि इसकी जद में इससे जुड़ा व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को इस बार गर्मियों की छुट्टियों में संगीत विद्या सीखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। संगीत संस्थान संचालकों ने राज्य सरकार से मांग की है कि हमारे संगीत इंस्टीट्यूट और एकेडमी को खोलने की अनुमति दें, जिसके तहत वह सरकार की तमाम गाइडलाइंस की पालना करने को भी तैयार है। कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं राजस्थान सरकार की ओर से लगातार कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन अभी इस छूट के अंदर राजस्थान सरकार की ओर से जो भी संगीत के संस्थान हैं उनको अभी छूट नहीं दी गई है, जहां पर बच्चों को संगीत की विधाएं सिखाई जाती हैं। संगीत जो सरस्वती का मंदिर होता है, जहां पर बच्चे संगीत की विधाओं को सीखने के लिए जाते हैं, तो हमारे साथ आज कुछ लोग हैं जो अपनी संगीत की विधाएं सिखाने का काम करते हैं बच्चों को। उनकी क्या बात है, कोरोना के अंदर इस बीमारी के अंदर उन लोगों के 3 महीने से जो संस्थान है वो बंद है, सरकार ने अभी इनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये लोग आप देख सकते हैं, मन में है विश्वास तो हम होंगे जरूर कामयाब, कुछ ऐसी ही संगीत की धुन के साथ अपनी आवाज सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बताएं संगीत के जो आपके संस्थान है वो बंद है, क्या कहना चाहेंगे? बात इतनी सी है सर, जैसे सरकार ने हमारे साथ मदद करी और जितना उन्होंने सहयोग करा उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और पर जब अभी इतना टाइम हो गया, 3 महीने से इंस्टीट्यूट हमारे बंद है, और हम इस बात को समझ चुके हैं कि इतने 3 महीने हमने वेट करा, काश कोई सॉल्यूशन इसका आ जाए, कोई वैक्सीनेशन आ जाए, पर जब अभी तक ये चीज़ें नहीं आई है और सभी ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा और कोरोना के साथ ही रहना है, और यदि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और उसके जो नॉर्म्स है और उसका हम पालन ठीक से अगर करें तो हम कोरोना से जो है आसानी से बच सकते। तो हम ये चाहते हैं कि इसी गाइडलाइन को फॉलो करते करते हम भी अपने इंस्टीट्यूट खोल सकें, क्योंकि हमारे लिए क्या सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत टाइम ऐसा हो चुका है, 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब कोई इनकम आपके पास नहीं हो, और ऐसे में हमारा जो भी हमने जिन भी बच्चों को सिखाते हैं और वो कुछ सीख भी नहीं पा रहे, और उनको भी उस मतलब जो शिक्षा हमारे को देनी है संगीत की शिक्षा उनकी वो बीच में अधूरी रह गई, और ऐसे में वो उससे पीछे हटते जाएंगे। संगीत की विधाएं हैं, बच्चे जो सीख रहे थे वो अधूरी रह गई है, सरकार अनुमति दे, हम गाइडलाइन को पालना करने के लिए तैयार हैं। सर कितना ज़रूरी है अभी एक बच्चों के लिए, चूँकि छुट्टियों का दौर चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए संगीत तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संगीत ह्यूमन सोल को रिलीफ देने का सबसे बड़ा टूल माना जाता है। थेरेपेटिक वैल्यू संगीत की बहुत होती है, और आज कोरोना काल में जब हम ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा डिप्रेशन और सोसाइटी में एक नकारात्मकता भी फैली है, लेकिन सकारात्मकता भी बहुत सारे सोसाइटी के अंदर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी वजह से है, संगीत उस सकारात्मकता को बढ़ाने का बहुत बड़ा अच्छा साधन है। और संगीतज्ञ संगीतकार कलाकार वो वैसे भी परोपकारी दयालु और भावनात्मक व्यक्ति होते हैं। हम सरकार से आज ये अनुमति चाह रहे हैं, हम सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को सर्वाइव करने के लिए अब जैसे अदर सेक्टर्स में छूट दी है, वैसे क्योंकि संगीतकार जो क्लासेस लेते हैं वो जनरली 3-4-5 बच्चों तक मैक्सिमम ली जाती है, तो उस सेटअप में गाइडलाइंस का और हाइजीन एंड इसका सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना बहुत आसान है, हम लोग उसको कर पाएंगे। और दूसरा चीज़, आज 3 महीने हुए हैं जैसा कि हम लोग अब हम संगीतकार जो हैं वो परेशान होना शुरू हुए हैं, आर्थिक गतिविधियों में जूझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने समाज के साथ में मिलकर के काम करने की कोशिश नहीं करी। कोरोना बीमारी ने जो कहर बरपा है उससे कहीं कहीं लोगों का तनाव भी बढ़ा है, तनाव को कम करने के लिए संगीत एक अच्छा साधन होता है, तो इनका ये कहना है कि संगीत के माध्यम से भी जो है कोरोना का जो तनाव है लोगों का वो कम किया जा सकता है। खासतौर से अभी गर्मियों का वक्त है, तो जो बच्चे आप सीखने के लिए आते थे तो वो अब दोबारा क्या उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है?
पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं वो जरूर थोड़ा उनके मन में घबराहट है पेरेंट्स के अंदर, और हम भी नहीं चाहते कि वो बच्चे को रिस्क जोन में आए, तो हम भी नहीं चाहते कि वो लोग आए। तो हम ये चाहते हैं सरकार हमें अनुमति दे, जिससे हम जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डिसाइड करेगी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग हम उनको अपनी क्लास को रन कर पाए। और वैसे भी हम लोग नंबर्स में खुद भी कम है और हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में नहीं होते बड़ी कोचिंग्स की वजह से। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ जो होती है एक इंस्टीट्यूट की मैक्सिमम 50 होती है, जो कुल बच्चे होते हैं जो सीखते हैं उस इंस्टीट्यूट में, तो उसमें प्रति बच्चे मतलब वो भी अल्टरनेटिव आते हैं या दो दिन में वीक में दो दिन मैक्सिमम क्लास होती है, तो एक दिन में एक बैच में मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे, और पूरे दिन के माने तो 15 से 20 बच्चे हार्डली एक दिन में बच्चे सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में आते हैं। इनकी जो बच्चों की संख्या है वो ज़्यादा इतनी नहीं है कि ये कोरोना गाइडलाइन की पालना करने में कहीं दिक्कत होगी, तो जो भी सरकार इनको अगर गाइडलाइन फॉलो करने के लिए देगी वो पूरी तरीके से 100% उनको फॉलो करने को तैयार है, लेकिन अनुमति दें। बताएं किस तरीके से, आप क्या कहना चाहेंगे, कोरोना के अंदर 3 महीने से बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं संगीत की विधाएं। बिल्कुल, अब सब जब सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं तो सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए भी सरकार सोचे, क्योंकि बहुत लिमिटेड बच्चे आते हैं एक तो इंस्टीट्यूट में, 3 या 4 का बैच एक चालू होता है। ऑनलाइन भी बहुत कोशिश की हमने सिखाने की, लेकिन ये म्यूज़िक प्रैक्टिकली एक ही हम सिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, तो वो साउंड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है बच्चों को। तो यही गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी चालू करें हमारी ओर। पर कुछ बच्चे भी पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में कुछ खास नहीं रहा क्योंकि घर के अंदर रहना पड़ा, कैसे बीता? बहुत ही मुश्किल। एक तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स पूरे नहीं हुए, फिर मेरे सिंगिंग का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था जो मई में प्रैक्टिकल होना बाकी था, वो भी नहीं हुआ, तो बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे क्या होगा, क्योंकि सिंगिंग मेरा एक लाइफ का पार्ट है, तो बस उसे बस विनती है कि बस क्लासेस ओपन हो जाए और बस प्रैक्टिस रेगुलर चले। 3 महीने से सरकारी आदेश के इंतजार में बैठे ये संगीत संस्थान के संचालक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इनकी सुने और इन लोगों को जो है संस्थान खोलने की अनुमति दे, ताकि ये संस्थान में अपने बच्चों को संगीत की विधाएं सिखा सकें। साथ ही इनका कहना है कि सरकार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक वो पूरी तरीके से पालना करने के लिए भी तत्पर रहें, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे संस्थान के अंदर 50 से 60 बच्चे आते हैं, अब उनके लिए अलग अलग बैच लगा देंगे, ताकि जो है 5-6 का अलग अलग ग्रुप बनाकर इनको संगीत की विधाएं सिखाई जाएगी, तो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, बस इंतजार है तो सरकारी आदेश का, ताकि गुलाबी नगरी में संगीत की जो महक है वो दोबारा पटरी पर लौटे, और खासतौर से बच्चे जो पिछले 3 महीने से घरों में कैद है उन बच्चों के लिए एक बार दोबारा से मनोरंजन, खासतौर से संगीत की विधाओं से जो बच्चे जुड़े हैं जिनका संगीत ही दुनिया में उनका टारगेट है और संगीत की दुनिया में उनको परचम लहराना है, वो बच्चे दोबारा एक बार इन अपने गुरुओं से संगीत की विधा सीखकर देश भर में अपना नाम रोशन कर सके। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV जयपुर।